हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज यूरोप का पार्ट वन लेकर के आई हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आने पे इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे एटलस जो है उसको खोल लीजिए और हमारे साथ चलिए शुरू करते हैं। यूरोप की जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, अब उसको आप मार्क करते जाइए एटलस में। चलिए, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, इस्तानबुल, टर्की का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नोन एज इस्तानबुल, बल्जीरिया, रोमानिया, यूक्रेनियन और रशिया। ये आपकी सब कोस्टल कंट्रीज़ हैं जो यूरोप में आती हैं। फिर आर्कटिक सर्किल जो है वो किस किस कंट्री से पास होता है, वो है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। दोस्तों ये आप एटलस में ज़रूर देखते जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्कटिक सर्किल किस किस कंट्री से गुजरता है और ये किसको टच कर रहा है। ये टच कर रहा है आइसलैंड को, तो ये कंपटीशन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर से मेरे नोट्स को ज़रूर पढ़ते जाइएगा साथ में एटलस रख करके। फिर आपकी GMT 0 डिग्री लाइन जो है वो है आपकी पास होती है यूके, फ्रांस और स्पेन से। जो आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है, ये दोनों ये चारों मिला करके बन जाती हैं आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए ISNDF नाम से। लेकिन जब डेनमार्क और फिनलैंड आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाती है फाइनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये सब पॉइंट्स आप मार्क करते जाइए मेरे नोट्स में, सब आराम से लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट आपका है डेनमार्क, जेटलैंड पर है, और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। ये बॉर्डर करती हैं किससे, बाल्टिक सी से बॉर्डर करती हैं ये। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये सब लो लैंड कंट्रीज़ हैं और लग्जमबर्ग आपकी जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, लग्जमबर्ग एक लैंड लॉक कंट्री है। ये सारे पॉइंट्स आप मार्क करते जाइए साथ में एटलस के। नेक्स्ट हमारा है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सब मिल के हमारा बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो ये बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आपका बे ऑफ बिस्के है जो कि फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। क्या रिस्का है जो फ्रांस में है, सरडिनिया है जो सिसली और आइलैंड ऑफ इटली पर है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार। आप इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।